नमस्कार सभी भाइयों ने, राम राम। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा आदमपुर की सीट से चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर अभी मैं नड़वा हलके में हूँ। तो लुदास गांव से गुजरते हुए मैं आदमपुर जा रहा था, तो यहाँ पर जो हालात मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर जो रोड ख़राब है उसको जूम करके दिखाएँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो रोड फूटा हुआ है और पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर अंकल भी मौजूद है, इनसे भी मैं कुछ सवाल जवाब करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हल्का नड़वा है और यहाँ से बीजेपी से विधायक गंगवा जी है, जो विधायक ही नहीं बल्कि डिप्टी स्पीकर है। उनके डिप्टी स्पीकर रहते हुए भी यहाँ पर गाँव के अंदर आसपास रोडों का कार्य नहीं किया जा रहा है। यानी ये समस्या जो है आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्या है। मैं यहाँ पर लगभग काफ़ी सालों से विजिट कर रहा हूँ, जब भी आदमपुर जाता तो यही मेरा रास्ता होता है। तो रास्ते के अंदर ये परेशानी काफ़ी गंभीर देखने को मिलती है हर टाइम। यहाँ पे आपको पूरा गंद का गंद भरा मिलेगा। तो रोड भी दिखाऊंगा मैं, उससे पहले यहाँ पे अंकल मौजूद है, थोड़ा इस समस्या के बारे में इनसे पूछ लेते हैं। तो अंकल जी, ये समस्या कब से है? ये तो भाई 2-3 साल हो गए इनको, तो पूरा सड़क टूट रहा है। तो आपने विधायक जी को बोला नहीं? ये बीजेपी वाले जब वोट आते तो मांगने आ जाते हैं, बोलते हैं, फिर ये आते हैं वो करवाते नहीं है ना। फिर डिप्टी साहब को तो नहीं बोल रहे, और आए थे अधिकारी आते रहते हैं यहाँ वीडियो वाडियो, और उनको बोला था, वो बोले करवाएंगे, यही करते हैं बस। तो जैसे कि यहाँ पर अंकल जी ने बताया है कि सरकारी अधिकारी आश्वासन देते हैं कि इस काम को करवाया जाएगा, और यही हालात दोस्तों इस हल्का की नहीं बल्कि यही हालात आपको आदमपुर हल्के के अंदर भी देखने को मिलती है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रोड दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाड़ी में बैठ कर। तो कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा कि वो गाड़ी में आए और ये हालात मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो साथियों, जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा रोड दिखाऊंगा, यहाँ से मैं मेरी गाड़ी निकाल रहा हूँ और गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट गियर में यहाँ से जाएगी। काफ़ी खड्डे इस रोड पर बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि रोड के जो हालात है, बिल्कुल कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाएँ, थोड़ा जूम करके सही आ रही है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएँ। और देख सकते हैं कितने बड़े खड्डे हैं। ये साथियों लुदास गाँव है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में मौजूदा विधायक है गंगवा जी और डिप्टी स्पीकर भी है, फिर भी यहाँ पर इस गांव के काम नहीं हो रहे। जैसे कि अंकल ने बताया था कि यहाँ पर विधायक आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि विधायक बन जाएंगे तो समस्या का हल कर देंगे, तो समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही आपको समस्या आदमपुर के अंदर देखने को मिलेगी कि आदमपुर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रोड फूटे हुए हैं, और कुलदीप जी कह रहे हैं, और देख सकते हैं स्कूल के सामने भी यहाँ पर कोई भी स्कूल होते, बच्चों को भी यहाँ पर आने जाने में परेशानी होती है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं, काफ़ी परेशानियों और समस्या का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में आप देख सकते हैं साधनों को गुजरने से काफ़ी परेशानी होती है, और बसें भी यहाँ से आ जा रही है, बसों को भी परेशानी हो रही है। देखिए ये भी कोई ना कोई यहाँ से गुजरते रहते हैं, नेताओं का रास्ता भी यही होता है, हार जाते हैं तो काफ़ी नेता यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार कि जो अभी वादे किए जा रहे हैं आदमपुर के जनता से, विधायक कुलदीप जी से मैंने पूछा था कि रोड कब बन जाएंगे, आदमपुर के अंदर पानी की निकासी कब होगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन 2 सालों में करवा दूंगा। अब बात आती है कि भाजपा सरकार यहाँ पर पिछले 3 सालों से है, तो इस समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? मौजूदा विधायक थे भाजपा सरकार के गंगवा जी, तो इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हुआ, क्यों इन समस्याओं का हल नहीं किया गया? और यहाँ पर देख सकते हैं बस स्टैंड की भी हालात, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खड्डा यहाँ पर हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर ये रोड फूटे हुए हैं, और आप देख सकते हैं हालात। दिखाइए थोड़ा सा इधर कैमरा मैन से, दरख्वास्त करूँगा कि लेफ्ट साइड में भी जो हालात यहाँ पर दिखाए। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे उतरने के लिए भी थोड़ी सी भी जगह नहीं मिल पा रही है मेरे को, ताकि नीचे उतर के मैं यहाँ से, दुकानों के सामने भी काफ़ी समस्या है, तो इनका रिव्यू भी करूँगा थोड़ा गाड़ी साइड में लगा के, तो गाड़ी साइड में भी लगाऊँगा मैं। और देख सकते हैं कि इतनी बदतर हालात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं सामने, आपको देख रहे हैं दुकान पर बैठे हुए भाई साहब से भी मैं कुछ बातचीत करूँगा इसके बारे में, तो इनसे भी कुछ चर्चा करूँगा। तो थोड़ा सा मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ, कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा कि भाई साहब की तरफ कैमरा करें और दिखाएं कि आखिर क्या समस्या है, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। देखिए काफ़ी कीचड़ यहाँ पर भर चुका है, तो ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई साहब की तरफ करिए इशारा, कैमरा मैन से दरख्वास्त करूँगा कि इनकी तरफ इशारा करें। तो भाई साहब ये बताइए, ये क्या हालात और कब से हालात हो रखी है? ये बारिश का कोई सलूशन है? कौन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी सालों से ये हालात चल रही है? ये भाई
5-6 साल हो गए इनने। 5-6 साल हो गए। तो जैसे कि यहाँ पे मौजूदा सरकार है, बीजेपी से विधायक है गंगवा जी, तो इन समस्याओं के बारे में कुछ कहा था उन्होंने? अपने वादे किए थे, वादा पूरा नहीं कर पाए? इसका तो मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है कि मैं तो बाहर का हूँ नहीं। अच्छा अच्छा, ये देख दिया लग रहे 5-6 साल होगी लगभग ये रहे हो इसका सुल। तो जैसे कि भाई साहब यहाँ पर 5-6 साल से देखते आ रहे हैं कि ये हालात जो बने हुए हैं और काफ़ी नाजुक हालत है, यहाँ से बसें भी जाती है, स्कूलें की बसें भी गुजरती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, मैं कुछ आपको नज़दीकी तौर पर दिखाऊंगा, तो कैमरा मैन से दरख्वास्त करूंगा कि आगे आएँ और कुछ गड्ढे भी दिखाऊंगा। और पहले तो यहाँ पे ताई आ रही, ताई से पूछेंगे। ताई रुकिए 2 मिनट, नो बताइए यह समस्या कितना है तारा, ये कितने का चढ़ा रही भाई? यह समस्या तो बरसा हो दिखाए से। अच्छा, कैसे साल होगी इसने? 8-9 साल होगी। तो कोई हल कौन करे विधायक? ना कोई हल नहीं करे भाई, बिना मट्टी हो रही काम की जमा। तो भाई साहब आपका क्या कहना है इस समस्या के बारे में? कितने बड़े बड़े समस्या, बहुत बुरे हाल है, बच्चे का स्कूल में आना जाना हर समस्या आ रही है। जैसे कि मैंने देखा आप जाता है स्कूल के आगे जाके देखो, बच्चे का निकलने की जगह नहीं है। हां वैसे हम देख के आए हैं बच्चों की निकलने, ये रोड देखो बच्चे इधर से आते हैं तो परेशानी होती है। तो यहां पे मेन समस्या पानी गांव की निकासी नहीं है, मेन समस्या यही है। तो गंगा जी से बोला था गांव वालों ने? सारे कंप्लेंट करते हैं गांव, कोई सुविधा नहीं चीज की। तो फिर गंगा जी जिता को कर दो फिर बार बार आप? अब क्या करें, जिता दे जी गांव वो अकेले उदास ही थोड़े जीतते हैं। अच्छा अच्छा, तो लुदास गांव पूरा का पूरा नाराज है। यहां से आप देख सकते हैं कि कितने बदतर हालात बने हुए हैं। आगे आप हमारे दुकानदार भी आपको दिखाऊंगा मैं, दुकानदार भी आगे आपको मिलेंगे। तो कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल पूरा दिखाने का काम करें यहां पर इस चीज़ को, और आगे कितने बड़े खड्डे चल रहे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहां पे दुकानदार जी से मिलते हैं, इनसे पूछते हैं दुकान में बैठे हुए कितनी परेशानी इनको हो रही है। तो राम राम ताऊ, ये आपकी दुकान है, दुकान का गए ये खड्डे पानी के समस्या कितने सालों से सामना कर रहे हो? बड़ी दिक्कत हो रही है, कई साल ही हो गया। तो आपने विधायक जी को कोई लेटर लिख के, डीसी साहब को लेटर लिख के नहीं दिया अभी तक? घनी बार दे रखे भाई, कोई समस्या का नहीं है। बस ये बताइए आपको समस्या को मतलब हल के लिए कितने साल हो गए फिरते हुए घूमते हुए? फिरते मन 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। तो जैसे कि दुकानदार भाई साहब का कहना है कि 3 साल हो गए, इन्होंने डीसी साहब को भी लेटर लिखा, विधायक जी को भी कहा, लेकिन यहाँ पर सरकार इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं कर पा रही है। तो कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि इधर भी थोड़ा दिखाएं कि कितने बदतर हालात है यहाँ पर रोड के। ये लुदास से आप कुरुड़ी का रोड देख सकते हैं। तो मौजूदा विधायक है, मौजूदा सरकार में अगर ऐसी सिस्ती हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि अन्य हलकों का विकास कैसे कर पाएंगी सरकार। और ऐसे में काफ़ी बड़ा सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आदमपुर से कुलदीप जी बार बार वादे करते हैं और 2 साल में आदमपुर की समस्या सलूशन करने का वादा वो करते हैं, तो कैसे सलूशन कर पाएंगे आप देख सकते हैं। तो ताऊ जी से पूछ लेता हूँ, तो ताऊ जी आपका क्या कहना है इस चीज़ ने लेके? जी ये रोड बन जाए, थोड़ा साफ हो जाए, ना टिपना रास्ता। समस्या तो दिख गई, बताओ विधायक जी ने कई बार जा लिए, कई बार मिल लिए, कई बार लेटर के हल कराया, कौन कराया? हम तो गंगवा गया, कोई समाधान नहीं, कोई समाधान कौन करे? नहीं, नहीं। तो फिर क्या बात है, आगे दे दोगे वोट बाट उसने? वोट बाट दे दोगे फिर भी आगे? नहीं, वोट मिले करे। आदमपुर आ रही होंगी रहोगी, बार बार कुलदीप मरदा रहोगा, समस्या नहीं रहोगी? नहीं जी, बात है जी, कुलदीप तो कुलदीप है, कुलदीप तो हमारे आपके पास ही हल्का है। अच्छा, यह सेम समस्या आदमपुर में है, वहाँ पर भी पानी पुणी है, 5 साल हो गई कोई समस्या हल को नहीं। तो साथियों उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बीजेपी सरकार के अंदर भी अगर समस्या अगर सोल्व नहीं हो पाई है तो आप अन्य हलकों की भी देख सकते हैं, जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ के हालात भी आप देख सकते हैं कि कैसे हो पाएगी, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ, बने रहिएगा आज 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद। कर ले।